नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आसनसोल पश्चिम बंगाल से गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश तक चलने वाली आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है हर मंगलवार को आसनसोल जंक्शन से गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में चलती है और इसका ट्रेवल टाइम जो है, यानी कि आसनसोल से गोंडा तक की जो दूरी है वो 20 घंटे 50 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं, 861 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 41 किलोमीटर पर आवर और मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये जो ट्रेन है इसमें थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 13509। अगर बात करें आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस के रूट मैप की, तो ये आसनसोल जंक्शन से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर मधुपुर जंक्शन झारखंड में पहुंचती है, फिर झांसीडी होते हुए झाझा बिहार में पहुंचती है, फिर बरौनी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा को कवर करते हुए ये बलिया उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर आजमगढ़ शाहगंज जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है, अयोध्या जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है, मनकापुर जंक्शन में रिवर्सल होता है और गोंडा में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो आगे जो मैं अभी आपको किराया डिस्कस करूंगा वो आसनसोल जंक्शन से गोंडा जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर से जाके जरूर कंफर्म करें। सेकंड एसी की बात करें तो आसनसोल जंक्शन से गोंडा जंक्शन तक का टोटल किराया 1700 रुपये है, जिसमें 1570 रुपये के करीब तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 81 रुपये है। टोटल किराया 1700 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो आसनसोल से गोंडा तक का किराया है वो है 1185 रुपये, जिसमें 1088 रुपये तो बेस पर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 57 रुपये है। टोटल किराया 1185 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का आसनसोल से गोंडा जंक्शन तक का टोटल किराया 440 रुपये है, 420 रुपये जिसमें बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया 440 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। आसनसोल से गोंडा जंक्शन तक जनरल डिब्बों का अगर किराए के बारे में बात करें, तो जनरल डिब्बों का किराया 240 रुपये के करीब है। इसमें तकरीबन 6 जनरल डिब्बे हैं, 3 जनरल डिब्बे इंजन की तरफ हैं, 3 जनरल डिब्बे ट्रेन के पीछे की तरफ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करेंगे आसनसोल जंक्शन से गोंडा जंक्शन तक चलने वाली आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे कौन कौन से स्टेशन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस, जो कि आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल से हर मंगलवार को शाम को 4:15 पे 2 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20 घंटे 50 मिनट का समय लेती है ये गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के लिए, और इसके तकरीबन 21 स्टेशन से 861 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड है 41 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन है वो है चितरंजन, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 4:36 पर पहुँचती है और 4:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के मधुपुर जंक्शन में पहुँचती है शाम के 5:17 पर, 5:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 81 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MDP। इसके बाद आसनसोल से गोंडा तक चलने वाली आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है झांसीडी जंक्शन झारखंड में पहुँचती है, जो कि झारखंड का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 5:44 पर पहुँचती है और 5:46 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1110 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है झारखंड से बिहार स्टेट में एंटर करती है। बिहार के पहले स्टेशन झाझा रेलवे स्टेशन पर शाम के 6:55 पर पहुंचती है और 7 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 155 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है JAJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है कियूल जंक्शन बिहार में पहुँचती है शाम के 7:41 पर और 7:43 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 208 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है कियूल, KIUL।
इसके बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में पहुंचती है रात के 9:55 पे और 9:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 247 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन बिहार में पहुँचती है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10:20 पे पहुँचती है और 10:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 296 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में पहुँचती है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11:20 पे पहुँचती है और 11:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 350 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन बिहार में रात के 12:15 पे पहुंचती है और 12:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 403 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है बिहार के छपरा जंक्शन में पहुंचती है, जो कि बिहार का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर रात के 2:05 पे पहुंचती है और 2:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है, 462 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बलिया उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 3:10 पे और 3:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। बलिया में इसका 5 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 527 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और बलिया रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BUI। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:40 पे पहुंचती है और 4:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 598 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MAU। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे सुबह 5:55 पे पहुँचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 641 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है AMH। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है आजमगढ़ से चलकर अपने अगले स्टेशन जो कि है खुरासन रोड पे पहुंचती है। खुरासन रोड पे इसका पहुंचने का समय सुबह 6:50 पे और 6:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, यहाँ पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है और तकरीबन 674 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये खुरासन रोड का वैसे स्टेशन कोड है KRND, ये 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन शाहगंज जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:35 पे और 8 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 698 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन पे पहुंचती है, आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है अकबरपुर में पहुंचती है, अकबरपुर जंक्शन में सुबह 9:19 पे पहुंचती है और 9:21 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 742 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ABP। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पे रात के 9:43 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 763 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है GGJ। इसके बाद आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है अयोध्या जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:50 पे पहुंचती है और 11:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है और 795 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अयोध्या जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मनकापुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12 बजे पहुँचती है और 12:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 30 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन रिवर्स होता है और 832 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल से गोंडा तक चलने वाली आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:05 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है।
यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 860 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।